ऑफिस से जल्दी आ गए। लो मैम जी भैया। और इसकी पेमेंट? पेमेंट सर ने ऑनलाइन कर दी। थैंक यू मैम। जी वो थोड़ी प्यास लग रही थी, पानी मिल जाएगा? पानी आप अंदर आइए। थैंक यू। हाँ बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। लीजिए भैया पानी पी लीजिए। थैंक यू मैम। अच्छा मैम आप अकेले रहते हो, मतलब हस्बैंड बाहर रहते हैं क्या? नहीं नहीं हस्बैंड ऑफिस है मेरे, आने वाले होंगे बस थोड़ी देर में। अच्छा अच्छा, वैसे क्या करते हैं वो? उनका बिजनेस है अपना। किस चीज का? फुटवेयर वगैरह का बिजनेस है। ओह नाइस, बहुत अच्छा है। बट बाहर ज्यादा रहते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब उनका कोई चक्कर वक्कर? मतलब एक्चुअली मैम देखो मैं डिलीवरी का काम कर रहा हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर में हूँ, तो अगर आप चाहो तो मैं आपका हाथ देख सकता हूँ। एस्ट्रोलॉजी पे वैसे ट्रस्ट तो है थोड़ा थोड़ा मुझे, क्योंकि उनकी कुछ बातें सच होती भी हैं। बिल्कुल। तो मतलब आप हाथ भी देख लेते हो? हाँ मैम मैं हाथ भी देखता हूँ और उपाय बताता हूँ। बट मैं तो अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ तो मतलब मैम क्या पता आप यहाँ खुश हो, कोई कहीं और खुश हो। देखिए आप ऐसी बातें मत करो, अब काम के सिलसिले में तो आदमी बाहर जाएगा ही ना। हो सकता है बट आई थिंक मैं एक बार देख लेता तो, अगर आप चाहो तो। ठीक है, जब आप इतना फोर्स कर ही रहे हो तो मैं सोच रही हूँ कि दिखा लूं। क्या कहने मेरे सितारे। बचपन से पढ़ाई में बहुत तेज है आप। अच्छा आपने लव मैरिज की थी? हाँ। क्या हो गया भैया? मैम कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आपको नहीं पता आपके पति आप पे चीट कर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैम ये देखिए यहाँ से रेखा कट रही है और ये देखिए यहाँ देखता है। देखिए भैया अगर आपकी दो बातें सच निकल गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी सारी बातें सच होंगी। मैम मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ, मेरी एक भी बात गलत नहीं निकलती। और एक बात बताओ मैं आपको गलत क्यों बताऊंगा, ये रेखाएं थोड़ी झूठ बोल रही हैं, ये देखिए साफ पता चल रहा है कि आपके पति कहीं पे अफेयर है। देखिए भैया अपने पति के प्यार के लिए मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है। मैम मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, आप उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो और यही आप गलती कर रहे हो। देखो एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ी चीज है, उसमें कभी गड़बड़ नहीं होती। वो तो है पर अब मैं ऐसा क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो मैम प्रॉब्लम्स होते हैं उसका सलूशन भी होता है और ये कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, ये सॉल्व हो सकती है, बस आपको एक उपाय करना पड़ेगा। उपाय? कैसा उपाय? देखो मैडम उपाय तो मैं आपको बता दूंगा लेकिन आप किसी और को उसका जिक्र मत करना। ठीक है आप जल्दी बताइए। अच्छा मैम एक काम करो एक गिलास पानी लेके आओ। ठीक है और लेके आओ। अरे भैया ये क्या चीज है? रुको मैम आपको नहीं पता ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज है। मैम आप बंद कर लीजिए।
ओम भिंगा लिंगा रिगा जिजे घच्छे खता खता खटता रे फका जी का हिंगा फटा घिजे इसको पति को कब पिलाना है मुझे? जैसे पति ऑफिस से आए इतना पानी उनको पिला देना। अच्छा, और जो बाकी का पानी है मुझे पूरा ही पिला देना, इतना थोड़ा सा पी लो आप। लेकिन मेरे पति मेरे वश में तो हो जाएंगे ना भैया? आप मुझ पे ट्रस्ट रखो, पूरे वश में हो जाएंगे, ठीक है? बस आप उन्हें बताना मत कि मैंने कुछ दिया। क्या है ना, असर कम हो जाता है, ये टोटके होते हैं, सच बता रहा हूँ, जिंदगियां बदल जाती हैं टोटकों से। 5 साल से मैं कर रहा हूँ ये। ठीक है भैया, मेरे पति के आने का भी टाइम हो रहा है, तो मैं उनको आते ही पिला दूंगी। हाँ हाँ, बस ये। चलो भैया, मैं चाय रख के आती हूँ। क्या हुआ? पता नहीं चक्कर से आया अचानक से। अरे कोई बात नहीं, वो थोड़े से चक्कर आएंगे और सही हो जाओगे। तो मेरे पति को भी चक्कर आएंगे क्या? अरे कभी कभी क्या होता है ना, वो शक्तियाँ हम पे असर करते हैं और तुम जैसे का बेवकूफ बनाते हैं। शक्ल से तो बेचारी कितनी होशियार लग रही थी, पढ़ी लिखी लग रही थी, पति को वश में करेगी। खुल क्यों नहीं रही बेचारी? तो 4 लाख का तो ये हो जाएगा। सूत्र ये बता नारी। बेवकूफ कहेंगे, भगवान ने शक्ल तो दे दी लेकिन अकल नहीं दी। पति को वश में करूंगी। अरे बेवकूफ औरत, हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा ही होता है बचपन में, बाद में जाके तुझ जैसे बेवकूफ बनते हैं। सच में जब तक तुम जैसे बेवकूफ रहेंगे ना, हमारी जेबें भरती रहेंगी। पति को वश में करना है, अरे अकल नाम की चीज है नहीं है। लव मैरिज सब कुछ पता करके आया था, कब भागी थी, कब तेरी लव मैरिज हुई। ऐसा तो बहुत नहीं यार, इतना बहुत है। तो देखा आप लोगों ने, मेरे छोटी सी बेवकूफी के कारण मेरा सब कुछ लुट गया। तो मैं नहीं चाहती आप लोग भी ये गलती करें, क्योंकि आजकल समाज में ऐसे पाखंडी बाबा बहुत घूम रहे हैं और इनका शिकार होती है घर की भोली भाली औरतें। तो मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, इन जैसे पाखंडियों को बिल्कुल भी बढ़ावा मत दीजिए। विश्वास रखिए उस ऊपर वाले पे, अपने रिश्ते पे और अपनी किस्मत पे, क्योंकि अगर हम ही सतर्क नहीं होंगे तो समाज कैसे सतर्क होगा। बस इस सब के साथ ही आपसे विदा लेना चाहती हूँ। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।